डियर स्टूडेंट्स, असां पंहिंजे नए चैप्टर जी तरफ मूव कयूं था। चैप्टर नंबर 13, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज हाँ अस चैप्टर नंबर 11 12 में ये शूं डिस्कस कंदा रहे हूं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरूरत है एनर्जी की, तो उजा कम सर अंजाम दई सक। एनर्जी मिलंदी हाई एनर्जी या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी जी ऑक्सीडेशन। मुसलसल सप्लाई आ एनर्जी जी लिविंग सेल्स के उआ रिस्पायरेशन वाले अमल तहत अस पे भी डिस्कस कंदा रहे हूं। द रिस्पायरेशन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आ जैमें गिजा ऑक्सीडाइज थी उन एनर्जी रिलीज थी। हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेकर ही एटीपी के जनरेट करो तो उनके ऑक्सीजन के इस्तेमाल करो पव। ये जानदार इन ऑक्सीजन के हासिल कंदा जेका एक्सटर्नल एनवायरमेंट आ उन पाथवे दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा थी। इन कार्बन डाइऑक्साइड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म का बाहर करो पव, छो तो जर यह सेलन में रहे तो वह नुकसानदेह थी सके थी। माना ये चौं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुसलसल गैसू एक्सचेंज कंदा था रहन या उन गैसू के मटासटा की जरूरत पवे थी। रिस्पायरेशन के दिसूं तो वह ऑक्सीजन अंदर खणंदा कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर खारिज कर। पर जेकर असा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स की गाल क्यों तो उनमें गैसों की एक्सचेंज जो बो तरीको भी आए फोटोसिंथेसिस। इन प्रोसेस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंदी ऑक्सीजन बाहर निकलंदी। पर हिते असा डिस्कशन में जेका गैसियस एक्सचेंज डिस्कस कंदासे उहा रुगो रिस्पायरेशन। हाँ गैसों की एक्सचेंज जेका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उहा डिपेंड थी करे फैक्टर्स ते, यानि फैक्टर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। फैक्टर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेका गैसों की मटासट है वह हेचन फैक्टर्स से डिपेंड थी करें। नंबर पहरियों मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन जो डिफरेंस हुजन या उन जो बरकरार रह। नंबर बी लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम रेशियो यानी मथाचरी का सतह वह वी हुजन घुर्जे मिकदार के मुकाबले। नंबर टियों प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन आ रिस्पायरेटरी सरफेस। प्रेजेंस ऑफ
मॉइस्ट मेम्ब्रेन या रिस्पायरेटरी सरफेसेस, यानी जे मेम्ब्रेन मा गैसों जी मटा सटा थणिया हुआ आली हुजे पिसल हुजे या वे जेके सरफेसेस हुजन हुए आला हुजन पिसल हुजन त जे गैसों जी जेका मटा सटा है वो आसानी से थी सके। उन खा पो नेक्स्ट आए रिस्पायरेटरी मीडिया, रिस्पायरेटरी हाँ सिंपली अस चौंदा त सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी मीडिया। यानी जाथा जानदार ऑक्सीजन खनन उनके असा रिस्पायरेटरी मीडिया था जो ओ हां देखो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो एक्वेटिक आई टेरिस्टल जानदारन लाए मुख्तलिफ हाने एक्वेटिक जानदारन लाए जेको सोर्स आ रिस्पायरेटरी मीडिया वारो वो पानी है आई टेरिस्टल जानदारन लाए जेको सोर्स आ रिस्पायरेटरी मीडिया वारो वो एयर। माना ये चाहूं तो जेके एक्वेटिक जानदार हैं वो जेका ऑक्सीजन खणंदा वो पानी मां डिजॉल्व फॉर्म में खणंदा उन तरह जेको सोर्स आ वो पानी आई खुशकी वारा जानदार जेको ऑक्सीजन खणंदा वो हवा मां खणंदा हवा मिक्सचर आ गैसों जी उन में ऑक्सीजन भी मौजूद आ। हाने जेकडे असा कंसीडर कयो तो जेका एयर आ उन में 21% ऑक्सीजन, माना ये चौं तो टेरिस्टल ऑर्गेनिजम्स लाए हवा या ऑक्सीजन खनन इजी प्रोसेस छो तो वह घने मिकदार में मौजूद घने मिकदार में मौजूद है उतना ऑक्सीजन खन आसान। पर पानी में असा सेम अमाउंट पानी जो खनऊ त पानी में 5% ऑक्सीजन मौजूद है। देखो पानी डेंसर देन एयर उन करे इन्हीं चौं त एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाए ऑक्सीजन खनन डिफिकल्ट प्रोसेस तो ऑक्सीजन घटा पो यो ही सबब आगे पढ़ना से तेरन पानी वारन जानदारन में वेल इफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम सन
जेके न थोरी ऑक्सीजन के बेहतर तरीके से इस्तेमाल कंदा असा फिशेज वट पढ़ना से तरीको काउंटर करंट एक्सचेंज आ वो किए इफिशिएंट सिस्टम आ जे तहत इन पानी वाली थोरी ऑक्सीजन के प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते।